इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसका रूट फाइंड करने की ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमको करना है 576 का स्क्वायर रूट फाइंड के कितना आएगा, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो 576, इसमें से हम पीछे के दो अंकों को भूल जाएंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे जो संख्या बची यानी कि 5, इससे पहले कौन सी ऐसी संख्या आती है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 5 से पहले आता है 4 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट हम इधर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब देखेंगे कि ये 576 में जो लास्ट का अंक है 6, वो किन किन स्क्वायर के बीच में आता है 1 से 10 तक की अगर हम बात करें। तो ये आता है एक तो 4 के स्क्वायर में और एक 6 के स्क्वायर में, इनके लास्ट में आता है। क्योंकि अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 16, और 6 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 36, दोनों के लास्ट में 6 है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा नंबर हम इस 2 के आगे लिखें, ये पता करने के लिए इस 2 की गुणा करेंगे हम इसके अगले नंबर से। तो 2 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 6। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर है 5, ये 6 से छोटा है, तो इन दोनों में से हम ये छोटा वाला नंबर लेके इसके आगे लिख देंगे, और ये हमारा आंसर बन गया। ये जो 24 निकल कर आया ये हमारा आंसर है। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरी संख्या है, यहाँ पर ले लीजिए आप 7056, ये हमने संख्या ले ली, इसका निकालेंगे तो वही सेम प्रोसेस, पीछे से दो अंकों को भूल जाइए। यहाँ पे बचा 70, 70 से पहले कितना आता है 64 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इस 64 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो आएगा हमारा 8। अब देखिए यहाँ पर भी लास्ट में 6 है, तो एक तो 4 के में आएगा, एक 6 के में आएगा। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि 8 की गुणा करेंगे इसके अगले नंबर से, तो 8 का गुणा किया अगले नंबर से तो कितना आया 8 में 72। अब क्योंकि ये जो 70 है ये छोटा है 72 से, इसलिए यहाँ पर भी छोटा वाला नंबर लेंगे हम, यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया 84। इस तरह से आप कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो।